हेलो बच्चों, आज अपन क्या है एक नया टॉपिक लेके आए हैं। अपने चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम आपको बताइए, चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है मानव जनन। क्या है मानव जनन? बहुत इजी चैप्टर है, इसके अपने वीडियो अपलोड कर दिए हैं काफी। अब अपन ये चैप्टर 2-3 वीडियो डालते पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियो देख सकते हैं, जब मूड हो आपका तब। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, उस प्लेलिस्ट पे आप सर्च करके क्या कर सकते हैं, सारे वीडियो आप लाइन से लाइन देख सकते हैं। तो मानव जनन है, उसमें आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा अपरा, ठीक है, यानी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। टॉपिक का नाम अपने सामने है, जो मानव जनन में आज टॉपिक उसका नाम है प्रेगनेंसी यानी सगर्भता। प्रेगनेंसी क्या है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक टॉपिक प्रेगनेंसी को कहते हैं सगर्भता और भ्रूणीय परिवर्धन। क्या है भ्रूणीय परिवर्धन? ये अपन क्या है टॉपिक है, इनका डिस्कशन करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान है, अपन बिल्कुल आराम से समझ लेंगे इन दोनों टॉपिक्स को, आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले तो आपको बताना है कि क्या होता है अपरा, क्या होता है प्लेसेंटा, क्या होता है। तो भ्रूणीय ऊतक और मातृक ऊतक के बीच में जो भ्रूणीय ऊतक होता है, जो भ्रूणीय ऊतक है और मातृक ऊतक है, भ्रूणीय ऊतक और मातृक ऊतक के बीच में संरचनात्मक और कार्यात्मक जो संबंध होता है, भ्रूणीय ऊतक और मातृक ऊतक के बीच में के मध्य जो संरचनात्मक और कार्यात्मक, जो कार्यात्मक और संरचनात्मक संबंध होता है, जो कार्यात्मक और संरचनात्मक संबंध होता है, उस संबंध को अपन क्या कहते हैं अपरा कहते हैं। तो इट इज ए कनेक्शन बिटवीन द एम्ब्रियोनिक टिश्यू एंड मैटरनल टिश्यू, ठीक है, यानी जो मां खाती है वो बच्चे को मिलता है और बच्चे के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं वो मां के अंदर आते रहते हैं। तो ये एक मां और भ्रूण के बीच में क्या है कनेक्शन है, ये गर्भाशय के अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है? गर्भाशय में भ्रूण है। भ्रूण का परिवर्तन कहां होता है? गर्भाशय में। तो गर्भाशय के अंदर क्या होता है अपरा बनता है। बनता कैसे है? अपन ने ये ब्लास्टोसिस्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ब्लास्टोसिस्ट में ये ट्रोपोब्लास्ट स्तर है। कौन सा स्तर है? ट्रोपोब्लास्ट स्तर है। इस ट्रोपोब्लास्ट स्तर से क्या होते हैं, ऐसे अंगुली के समान उभार निकलते हैं, ऐसे छोटे 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 क्या होते हैं, ऐसे अंगुली के समान उभार निकलते हैं, ठीक है, ये ऐसे अंगुली के समान उभार निकल जाते हैं। इनको कहते हैं जरायु अंकुर। क्या कहते हैं? जरायु अंकुर कहते हैं, ठीक है, ये जरायु अंकुर है, समझ गए। यानी ये ट्रोपोब्लास्ट स्तर है, ये भ्रूण है। क्या है? ये भ्रूण है। इस भ्रूण का नाम है, अपन को पता है, ये ब्लास्टुला। क्या है? ब्लास्टुला है। इस ब्लास्टुला के अंदर ये ट्रोपोब्लास्ट है। क्या है? ये ट्रोपोब्लास्ट है। ट्रोपोब्लास्ट आपको पता है इस तरह है, मैंने वीडियो में बता रखा आपको, और इसके अंदर अंतःकोशिकीय समूह होता है। अब इसका अंतरोपण हो जाता है, ये गर्भाशय की दीवार है, इस गर्भाशय की दीवार के अंदर ये धस जाता है, ये गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर में इस तरह से भ्रूण धस गया। अंतरोपण के पश्चात, किसके पश्चात? अंतरोपण के पश्चात, जब अंतरोपण हो जाता है उसके पश्चात, अंतरोपण के पश्चात क्या होता है, जो ट्रोपोब्लास्ट है उस ट्रोपोब्लास्ट से अंगुली के समान संरचनाएं निकलती है। किसके समान? अंगुली के समान संरचनाएं निकलती हैं। इन संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं? जरायु अंकुर। क्या कहते हैं? जरायु अंकुर कहते हैं। अब जो ये मातृक ऊतक है, कौन से ऊतक है? मातृक ऊतक है। और जो अपन कहते हैं गर्भाशय ऊतक है, कौन से ऊतक है? गर्भाशय ऊतक है। और गर्भाशय रक्त वाहिनियां होती हैं, वो इसको क्या कर लेती है? घेर लेती है, इसको पूरा घेर लेती है, कवर कर लेती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये गर्भाशय ऊतक है और ये क्या है, ये आपको बताना है अंगुलियां हैं, ये कोरियोनिक विलय है। इसके बीच में क्या होता है? एक संबंध बन जाता है। क्या बन जाता है? इनके बीच में एक संबंध बन जाता है, यानी ये क्या होता है, अंगुली युक्त संबंध बन जाता है, यानी ये दूसरे में से फिट हो जाती जाके। ये कोरियोनिक विलय है और ये गर्भाशय ऊतक है। क्या है? ये गर्भाशय ऊतक है। ये आपस में क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से लॉक हो जाते हैं। कैसे लॉक होते हैं? इंटरडिजिटेड। क्या होते हैं? इंटरडिजिटेड, यानी अंतरा अंगुली युक्त, अंतरा अंगुली युक्त, अंतरा अंगुली युक्त संबंध बन जाता है, ठीक है। अब आपको पता ही है कितना ही वेट हो, अगर आप ऐसे अंगुलियां आपस में फिट कर देते हो तो वो क्या होता है, इस तरह से अंगुली अगर फिट हो जाएगी तो क्या ये अलग हो सकता है? वैसे ही इसमें क्या होते हैं, ये ऐसे अंगुली जैसे उभार निकले, जिनको कहा जरायु अंकुर। क्या कहा? जरायु अंकुर। ये जाके ऐसे गर्भाशय में फिट हो गए,
ये गर्भाशय ऊतक है और ये भ्रूणीय ऊतक है, ये जाके यूं फिट हो गए। इसको फिट होते ही अपन ने क्या कह दिया, इसको कहा अंतरांगुली युक्त संबंध। क्या कहा? अंतरांगुली युक्त संबंध का। ये संबंध बनते ही अपन ने कह दिया कि ये रोपण हो गया। क्या हो गया? रोपण हो गया। तो सबसे पहले तो आपको परिभाषा बतानी है कि भ्रूणीय ऊतक और मातृक ऊतक के मध्य, भ्रूणीय ऊतक और मातृक ऊतक के मध्य जो संरचनात्मक और कार्यात्मक संबंध है, उस संरचनात्मक और कार्यात्मक संबंध को अपन क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। ठीक है, अब अपन कहते हैं कि ये अपरा बनता कहां पर है? ये गर्भाशय में बनता है। गर्भाशय में कब बनता है? अंतरोपण के पश्चात, जब रोपण हो जाता है यानी इम्प्लांटेशन हो जाता है, अंदर आके धस गया ये ब्लास्टुला, फिर उसके बाद क्या होता है? ये आगे की क्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, अब अपन कहते हैं कि ये क्या है? ये ट्रोफोब्लास्ट है। ट्रोफोब्लास्ट के चारों तरफ अंगुली जैसे उभार होते हैं, इनको कहते हैं जरायु अंकुर, कोरियोनिक विलय। ये कोरियोनिक विलय किस में फिट हो जाते हैं? गर्भाशय ऊतक में धस जाते हैं और इस तरह से अंतर अंगुली युक्त संबंध बन जाता है। अब सवाल आता है कि इसके क्या कार्य, आखिर अपरा है उसके क्या कार्य? आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता है, अपरा के कार्य बताओ। तो अपरा के अपने ज्यादा कोर्स में कार्य नहीं दे रखे हैं, बिल्कुल एक कार्य सिंपल सा कार्य दे रखा है, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे और अपरा के हार्मोन पढ़ लेंगे। अपने क्या इसमें ज्यादा इतना इन्होंने डीपली एक्सप्लेन किया ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने कि कार्य क्या है। तो अपन कार्य सबसे पहले तो क्या होता है, सिंपल वे में समझते हैं। ये मातृक ऊतक है, मातृक ऊतक के अंदर जो भोज्य पदार्थ है, क्या है? भोज्य पदार्थ है और जो ऑक्सीजन है। ठीक है, मातृक ऊतक के अंदर जो भोज्य पदार्थ है, ऑक्सीजन है, उन सबको ये किस में पहुंचाता है? उन सबको ये भ्रूण में पहुंचा देगा। किस में पहुंचा देगा? भ्रूण के अंदर पहुंचा देगा। और भ्रूण को ये चाहिए, भ्रूण को भोजन चाहिए, भ्रूण को ऑक्सीजन चाहिए, वो कौन पहुंचाएगा? मातृक ऊतक। किसके माध्यम से पहुंचाएगा? अपरा के माध्यम से। अपरा द्वारा जो मातृक ऊतक के अंदर जो भी मां खाती है भोजन, वो भ्रूण को मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताना है भ्रूण के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, भ्रूण के अंदर क्या बनते हैं? जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, इसके अलावा भ्रूण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको अपरा के माध्यम से किस में पहुंचा दिया जाता है? मातृक के ऊतक में पहुंचा दिया जाता है। यानी आपने एक नाम सुना होगा अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या नाम सुना होगा? अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभि रज्जु। क्या नाम सुना होगा? बच्चा जन्मता है तो उसके नाभि होती है, उस नाभि से क्या होता है? ये मातृक ऊतक जुड़ा होता है। मातृक ऊतक किससे जुड़ा होता है? नाभि से। ये नाभि होती है भ्रूण की, उससे क्या होता है? ये जुड़ा होता है मातृक ऊतक। इसका नाम होता है प्लेसेंटा। क्या नाम होता है? प्लेसेंटा। माँ जो खाती है भोजन, वो किस में आ जाता है? बच्चे में। किसके द्वारा आ जाता है? नाभि से होता हुआ, अपरा से होता हुआ नाभि में आता, और नाभि से उसके शरीर में। इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो किस में पहुंच जाती है? मातृक ऊतक में। तो इसलिए माँ को अच्छे से अच्छा खाना चाहिए जब वो गर्भवती हो, क्योंकि माँ जो खाएगी वही बच्चे को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको कार्य पूछा कि भाई इसका कार्य क्या है, तो अपन सिंपल सा एक्सप्लेन करते हैं। इसका कार्य ये होता है कि मातृक ऊतक और भ्रूणीय ऊतक के बीच में संबंध है, जो भी माँ खाएगी बच्चे को मिलेगा, यानी भोजन और ऑक्सीजन भ्रूण को पहुंचाना, और भ्रूण के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो मातृक को पहुंचाना और मातृक ऊतक उनको बाहर निकाली। अब इसके हार्मोन, हार्मोन थोड़े क्या है? इंपॉर्टेंट है, और हार्मोन के नाम भी थोड़े क्या है? टिपिकल है। टिपिकल इन द सेंस अपन कहेंगे थोड़े भारी है, भारी मतलब थोड़े आपको नाम दो तीन बार बोलने पड़ेंगे, खुद बोलोगे तब याद होंगे, नहीं तो याद होने मुश्किल है। ठीक है, यानी बायोलॉजी में आप क्या है कि याद नहीं होते तो आप उसको भूलो, फिर याद करने की कोशिश करो। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर याद होगा। कुछ हार्मोन के नाम ऐसे होते हैं जो आसानी से याद नहीं रहते हैं। ठीक है, आप उनको 10 बार बोल दो तो करत करत अभ्यास, आपको पता ही जड़ मत हो इस जान, तो अपन जानते ही है। पहला चार हार्मोन के नाम आपको याद रखने हैं। नंबर एक हार्मोन, अपन जो सबसे पहला हार्मोन कहेंगे उसका नाम होगा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। सबसे पहला हार्मोन है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। दूसरा हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन।
दूसरा हार्मोन है जिसको अपन कह रहे हैं ह्यूमन कोरिनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, तीसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन, क्या है एस्ट्रोजन, ठीक है, चौथा हार्मोन है जिसका नाम आपको बताना है प्रोजेस्टेरोन, चार हार्मोन के नाम याद रखना है, ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आपको पता अंडाशय से भी निकलते हैं तो आपको याद है। अब समस्या यहां के अटक जाती है, एचपीएल, क्या है एचपीएल, एचपीएल को अपन कहते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ह्यूमन एच का मतलब है ह्यूमन, क्या है पी और एल, ह्यूमन प्लेसेंटल, प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, बहुत इजी नाम है। दूसरा है एचसीजी, ये है ह्यूमन कोरियोनिक, कोरियोनिक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है। तीसरा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, तो ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है, उसका फंक्शन आपके दे नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं जनरल साइंस का सवाल है, ठीक है, पूछा जाता है जनरल साइंस में। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन तो क्या करता है, स्तनों का आकार वृद्धि करेगा और दुग्ध स्त्रावण में सहायता करेगा, लेकिन ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन क्या करेगा? आपने सुना होगा एक प्रेगनेंसी किट आती है, क्या होती है प्रेगनेंसी किट आती है, इस प्रेगनेंसी किट में क्या होता है, इस तरह की प्रेगनेंसी किट होती है, इसमें एक्चुअल में क्या किया जाता है, बच्चा है कि नहीं है, वो औरत गर्भवती है कि नहीं है, जांच की जाती है। तो जांच करने के लिए क्या करते हैं, उस जो औरत गर्भवती होगी उसके गर्भ उसके अंदर अपरा बनेगा, औरत गर्भवती होगी उसके अंदर क्या बनेगा, अपरा, प्लेसेंटा बनेगा, और प्लेसेंटा बनेगा तो ये हार्मोन निकलेगा ह्यूमन कोरियोनिक प्लेसेंटा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। इस हार्मोन के कारण अगर ये हार्मोन होगा मूत्र के साथ, मूत्र के साथ बाहर निकलेगा तो नेचुरल सी बात है वो प्रेग्नेंट है। ये हार्मोन कब बनता है, जब औरत गर्भवती होती है, ये हार्मोन कब बनता है, जब औरत गर्भवती होती है, और ये हार्मोन कैसे बाहर निकलेगा, मूत्र के साथ। अब यह मूत्र की एक बूंद डालेंगे, ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन रिएक्शन करेगा और यह दो लाल लाइनें आ जाएगी, इसका मतलब खुशखबरी है प्रेगनेंसी। अगर मान लो क्या है, उस औरत के अंदर यह हार्मोन यानी अपरा नहीं बना है, यह हार्मोन नहीं निकलेगा मूत्र के साथ, इसका मतलब क्या है, वो नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट कैसे आती है, मूत्र के द्वारा। मूत्र में कौन सा हार्मोन निकलता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ये कब निकलता है, जब अपरा बनेगा, अपरा द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम है। तीसरा हार्मोन अपने को पता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं, एक अंडाशय से एक हार्मोन और निकलता है रिलैक्सिन, कौन सा निकलता है रिलैक्सिन। ये तीनों हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही निकलते हैं, किस टाइम निकलते हैं, प्रेगनेंसी होती है उस टाइम ही निकलते हैं, सगर्भता के समय निकलते हैं, हर टाइम ये नहीं निकलते, ये चीज ध्यान रखनी है। पूछा जाता है सगर्भता के टाइम ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो हर टाइम निकलते रहते हैं महिला के अंदर, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो हर टाइम निकलते रहते हैं अंडाशय से, किससे निकलते हैं, अंडाशय भी इनका निर्माण करता है, लेकिन ये तीन हार्मोन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन उसी कंडीशन में निकलेंगे जब औरत क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी। और इस हार्मोन का उपयोग अपन किस में करेंगे, इस हार्मोन का उपयोग प्रेगनेंसी किट में करेंगे जांच के लिए, मूत्र के साथ ये बाहर निकलता है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, जब शिशु जन्म होने वाला होता है उस समय निकलता है ज्यादा मात्रा में, और ये क्या करता है, ये अंडाशय से निकलता है, एक चीज ध्यान रखना, आपकी बुक एनसीईआरटी ने इसको अंडाशय शो किया है, क्या किया है, अंडाशय शो किया, ये आपको लाइन पकड़नी है, ठीक है, सवाल आ जाए तो आपको अंडाशय राइट करना है, आपको अपरा नहीं बताना होगा, ये अंडाशय से निकलता है, इस बात को आप गांठ बांध लो, ठीक है। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, शिशु जन्म में सहायता करता है, ये प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, मांसपेशियों को शीतलन करता है और क्या करता है, शिशु जन्म में सहायता करता है। फिर उसके बाद में इसके अलावा हार्मोन निकलते हैं जैसे कॉर्टिसोल, कौन सा हार्मोन निकलता है, कॉर्टिसोल निकलता है, थायरॉक्सिन निकलता है, कौन सा निकलेगा, थायरॉक्सिन निकलता है, एस्ट्रोजन निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं, ये सब हार्मोन क्या करते हैं, ये सब हार्मोन कुछ काम करते हैं, इन सब हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है, जब औरत प्रेग्नेंट होती है,
कॉर्टिसोल ज्यादा निकलेगा, थायरोक्सिन ज्यादा निकलेगा, एस्ट्रोजन ज्यादा निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा निकलेगा, रिलैक्सिन ज्यादा निकलेंगे। ये सब हार्मोन सबसे पहले काम करते हैं भ्रूण के परिवर्धन में सहायता करते हैं। ये भ्रूण के परिवर्धन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इनका पहला काम है भ्रूण का परिवर्धन करना। दूसरा इनका काम होता है ये प्रेगनेंसी को बनाए रखते हैं, सगर्भता को बनाए रखते हैं, सगर्भता को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। ये चीज अपने ध्यान रखनी है, यानी ये प्रेगनेंसी उसको बनाए रखते हैं। फिर इसके बाद इसका तीसरा काम होता है ये मातृक के उत्तक, जो मातृक उत्तक होता है यानी जो औरत होती है उसकी उपापचय क्रियाओं को बढ़ाते हैं, औरत की जो उपापचय क्रियाएं मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं उनको इंक्रीज करते हैं। तो ये अपरा आपने पूरा हो गया बच्चों। अपरा से कोई भी सवाल आए तो आपको बिल्कुल राइट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अपरा से कौन सा हार्मोन निकलता है और अपरा की परिभाषा पूछी जाती है। तो अपन अपरा से जो हार्मोन निकलते हैं उनके नाम आपको बता दिए और फंक्शन बता दिए। अब मान लो उसने सवाल क्या पूछा, उसने सवाल पूछा कि अपरा से कौन से चार हार्मोन निकलते हैं प्लेसेंटा से। तो सबसे पहला ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, दूसरा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक को अपन कह सकते हैं मानव, क्या कहते हैं ह्यूमन को, क्या कहते हैं मानव। कोरियोनिक को कहते हैं जरायु, क्या कहते हैं जरायु। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन हिंदी में, शुद्ध हिंदी में हो गया मानव जरायु गोनेडोट्रोफिन। इसका नाम हो जाएगा ह्यूमन यानी मानव प्लेसेंटल मतलब मानव अपरा लैक्टोजन हार्मोन, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना, हिंदी याद कर लेना शुद्ध। फिर उसके बाद ये प्रेगनेंसी किट में कौन सा हार्मोन काम आता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। अब अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन। ये दोनों हार्मोन तो अपरा से निकलते हैं लेकिन ये रिलैक्सिन किससे निकलता है, अंडाशय से। कुछ पुरानी बुक्स थी उसमें ये दे रखा था अपरा से, लेकिन अपने को क्या करना है, बहस किसी से नहीं करनी है। फिर उसके बाद अपन कह रहे हैं कि शिशु जन्म में ये हार्मोन सहायता करते हैं। अब कुछ हार्मोन औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो ज्यादा हो जाते हैं उसके ब्लड में, कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन उसके ब्लड में ज्यादा होते हैं। ये हार्मोन तीन काम करते हैं। सबसे पहले तो भ्रूण के परिवर्धन में सहायता करते हैं, जो फिटस है उसके परिवर्धन में सहायता करते हैं, डेवलपमेंट में। औरत की प्रेगनेंसी को बनाए रखते हैं, उसका बच्चा गिरने नहीं देते हैं, सगर्भता को बनाए रखते हैं, और मातृक के अंदर जो उपापचय मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसको बढ़ाते हैं। थोड़ी औरत क्या होती है, एक्टिव ज्यादा हो जाती है, यानी उसके अंदर मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है बच्चों। आप वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों।